हेलो स्टूडेंट, दिस साइड मुस्लिमा असलम। टुडे वी विल बी स्टडी अबाउट शॉर्टिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? एसिम्प्टोटिक नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन, बिग थीटा नोटेशन, बिग ओ नोटेशन। ठीक है, हमने 5 टाइप के नोटेशन थे आपके, उन पर बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे शॉर्टिंग की। शॉर्टिंग आपने पहले भी पढ़ चुके हो, आपने डेटा स्ट्रक्चर में शॉर्टिंग पढ़ी होगी, उसके कुछ बबल शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट ये सारे किए होंगे। अब हम फिर से रिवीजन एक टाइप का हमारा हो रहा है शॉर्टिंग क्या होती है, क्योंकि आपके सिलेबस में इसलिए हमें पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लीजिए व्हाट इज़ शॉर्टिंग। शॉर्टिंग में क्या होता है? शॉर्टिंग इज़ अ प्रोसेस टू अरेंज द अल्फ़ाबेट और नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, क्या होता है शॉर्टिंग जो होता है वो प्रोसेस होता है टू अरेंज करने का, मतलब अल्फ़ाबेट और नंबर को हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, नाउ शॉर्टिंग इज़ अ डन बाय वेरियस मेथड एंड एल्गोरिथम। हम इसको किस शॉर्टिंग को किस चीज़ से करते हैं, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं और एल्गोरिथम होते हैं, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, शॉर्टिंग करते हैं। ठीक है, पहले किसी भी उसकी एल्गोरिथम बना लेते हैं, उसको स्टेप बाई स्टेप कैसे वर्क करना है, फिर हम उस चीज़ को शॉर्ट करते हैं, मतलब प्रोग्राम को स्वैप करते हैं। ठीक है, इसका पॉइंट देखिए, टू मैनेज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम। ये क्या करता है, मैनेज करता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम को। जैसे आपके पास मान लीजिए दो पर्सन है, पर्सन ए पर्सन बी। पर्सन ए आपका जो है कोई प्रोग्राम है या कोई एरे है जो आपकी 1 से 1000 के बीच में, तो बहुत बड़ी एरे हो गई। उसको स्वैप करने के लिए या उसको शॉर्टिंग करने के लिए आपको क्या है, दो पर्सन में आपने दिया, पर्सन ए दी और पर्सन बी को दिया। तो पर्सन ए जो है वो क्या करेगा, इस प्रोग्राम को या इस एल्गोरिथम को बनाने के लिए 1 घंटा लगा देगा। ठीक है, वो 1 घंटा ले रहा है। और दूसरा पर्सन क्या है, बी पर्सन है, वो क्या कर रहा है, वो इसी एल्गोरिथम इसी प्रोग्राम को सिर्फ 10 मिनट में कर लेता है। तो फिर आपको उन दोनों पर्सन में से चूज़ करना है कि किसने सबसे कम काम लिया। तो हम ऐसे मैनेज करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और प्रॉब्लम को, ऐसे पर्सन को हम चूज़ करेंगे जो हमारी एल्गोरिथम को जल्दी आसान तरीके से सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग लॉजिक हो सकते हैं, लेकिन हमें लास्ट में उसे स्वैप करना है। ठीक है, उसको शॉर्टिंग बोलते हैं। वी कवर ऑल द शॉर्टिंग एल्गोरिथम इन दिस फॉलोज। ठीक है, जैसे हम इसमें पढ़ेंगे क्विक शॉर्ट, हमारे जो सिलेबस में है क्विक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, हीप शॉर्ट, शेल शॉर्ट, और शॉर्टिंग इन लीनियर टाइम जो होती है उसमें पढ़ेंगे रेडिक शॉर्ट, बकेट शॉर्ट और मर्ज शॉर्ट। ठीक है, तो आपको ये शॉर्टिंग आपने पहले भी पढ़ रखी है, लेकिन आज हम इसको फिर से देखेंगे। ठीक है, कि शॉर्टिंग होती क्या है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्विक शॉर्ट की। पहला हमारा है क्विक शॉर्ट। क्विक शॉर्ट क्या होता है, देखिए, क्विक शॉर्ट इन 1960 क्विक शॉर्ट डेवलप बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट टोनी हॉर। इट इज़ अ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डिवाइड एंड कॉन्कर। क्या हुआ, 1960 में हमें डेवलप किया था ब्रिटिश के साइंटिस्ट टोनी हॉरे ने। इट इज़ बेस्ड होता है ये प्रिंसिपल डिवाइड एंड कॉन्कर पे। डिवाइड एंड कॉन्कर को तो मैंने आपको बता ही दिया था, डिवाइड जो एनालिसिस करी थी आपने एल्गोरिथम की, उसमें मैंने बताया था कि डिवाइड एंड कॉन्कर क्या होता है। ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या कंडीशन आती है कि कोई भी एरे है उसको सब एरे में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसको जब तक वो सिंगल एरेज में ना जाए, फिर बाद में उनका क्या करते हैं, बाद में तो उनको कॉन्कर करते हैं। कॉन्कर का मतलब जो एरे आपका निकल गया उसको मर्ज करते हैं। मर्ज करके फिर हमें एक एरे जो सॉर्टिंग होती है वो मिलती है, वो हमारी डिवाइड एंड कॉन्कर कहलाती है। ठीक है, तो देखिए क्विक शॉर्ट की जो एल्गोरिथम वो कैसे बेस्ड होती है। देखो, बेस्ड ऑन पार्टीशनिंग ऑफ एरे ऑफ डेटा इनटू स्मॉलर एरेज। क्या करते हैं हम, सबसे पहले कि हम ये बेस्ड होती है पार्टीशनिंग पे, जो हमारा एरे होता है उसकी पार्टीशनिंग होती है इनटू स्मॉलर एरेज में। ठीक है, और देखिए यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, तो यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, जैसे हमने कि क्या करा, कोई भी मैंने लिखी आपको राइट साइड में कि एरे बनाया है, एरे आपको दे रखा है, एरे है आपका, उसको स्मॉलर एरे में आपको डिवाइड करना है, मतलब कि सब एरे में डिवाइड करना है, फिर आपके जो सिंगल एरे बचेंगे, मतलब शॉर्टेड एरे बचेंगे। ठीक है, फिर उन शॉर्टेड एरे को आपको क्या करना है, कॉन्कर करना है। कॉन्कर मतलब फिर उनको कॉन्कर करके मर्ज करना है। मर्ज करके आपका जो एक एरे आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, क्विक शॉर्ट, जो शॉर्टेड एरे। ठीक है, तो ये जो ये टेक्निक यू वो है वो डिवाइड एंड कॉन्कर पे है। ठीक है, फाइंड एन एलिमेंट कॉल्ड पाइवेट एलिमेंट। तो ये जो पाइवेट एलिमेंट है वो क्या, दो एरे को डिवीज़न कर रहा है, तो इसको बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ डिवीज़न ऑफ द एरे। ठीक है, पाइवेट एलिमेंट होता है जो एरे में हमें चूज़ करना होता है, वो आपका क्या कहलाता है,
फाइंड एन एलिमेंट कॉल पाइवेट एलिमेंट। ठीक है, पाइवेट एलिमेंट हम कैसे कर सकते हैं? पाइवेट एलिमेंट हम चूज़ करते हैं लेफ्ट हाफ और राइट हाफ। हमारे पहले हम क्या करते हैं, एरे में लेफ्ट हाफ देख लेते हैं और राइट हाफ देख लेते हैं। उसके बाद हम पाइवेट एलिमेंट आप चुन सकते हो, कुछ लोग बीच से भी चुन सकते हैं, राइट अपना पाइवेट एलिमेंट बीच से भी ले लेते हैं, कुछ आप स्टार्टिंग से ले लेते हैं, कुछ लास्ट ले सकते हैं। तो आप पाइवेट एलिमेंट किसी भी एलिमेंट को ले सकते हो, ठीक है, उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। किसी से एरे को भी आपने पाइवेट एलिमेंट देखोगे, फिर उसको राइट से चेक करोगे, फिर लेफ्ट से चेक करोगे, ठीक है। फिर देखिए, इफ़िशेंट फॉर लार्ज साइज डेटा सेट, ये इफ़िशेंट होना चाहिए, लार्ज साइज का आपका डेटा सेट होना चाहिए, ठीक है, ये आपको देखना है, ध्यान में देना है। अरेंज एंड वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है बिग ओ एन लॉग एन, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ओ एन लॉग एन। और आपको देख लिया रिकर्सिव स्टेप्स की क्या है, इसको पहले कैसे हमें फाइंड करना है। देखिए, पहला पॉइंट मैंने लिखा है फाइंड पाइवेट डेड डिवीजन द एरे इन टू पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है एरे को, ठीक है। पहले आपको पाइवेट एलिमेंट चूज़ करना है, फिर दो एरेज में उसको डिवाइड करना है। क्विक शॉट लेफ्ट हाफ देखना है आपको, क्विक शॉट जब आप कोई एरे है उसको टू पार्ट में डिवाइड करोगे, एक लेफ्ट हाफ में और एक राइट हाफ में, तो थर्ड आपका क्या कहता है कि क्विक शॉट को राइट हाफ में आपको डिवाइड करना है। अब हम देख लेते हैं, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन से आपको ज़्यादा समझ में आएगा आसानी से। देखिए क्वेश्चन देखिए, हमारे पास एक एरे था, एरे में हमारे कितने नंबर थे, 24, 56, 47, 30, 5, 10, 90, 12, 31, ठीक है, ये एक एरे है। इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि हम एरे को एक लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट हाफ बोलते हैं, एक को राइट साइड का राइट हाफ, तो हमने इधर वाले एरे को लेफ्ट साइड देख दिया, उधर वाले एरे को राइट साइड से, ठीक है। जब लेफ्ट साइड से चेक करते हैं तो लार्जेस्ट वैल्यू देखते हैं, और राइट साइड से चेक करते हैं स्मॉल वैल्यू देखते हैं। तो ये इधर जो ये मैंने ऊपर लेसर लिखा है, उधर साइड में ग्रेटर, तो उधर साइड में आपकी ग्रेटर वैल्यूज़ आती हैं, इधर से स्टार्टिंग से आपकी लेसर वैल्यूज़ आती हैं। ये बात आपको समझ में आई कि कोई एरे है उसमें आपको पाइवेट एलिमेंट ढूंढना है, जिसके नीचे मैंने इसे 24 है, 24 के नीचे एरो लगाया है, एरो लगाया है, तो ये आपका हमने क्या चूज़ कर लिया, इस एरे में से चूज़ कर लिया पाइवेट एलिमेंट। तो पाइवेट एलिमेंट आपका 24 हो गया। अब 24 को छोड़ के आप लेफ्ट हाफ और राइट हाफ चूज़ करोगे, तो 56 से आपने लेफ्ट साइड देख ली और राइट साइड आपने 31 से देख ली। तो आप चेक करोगे, सबसे पहले चेक करना है आपको वो तो लेसर और ग्रेटर, मैंने इसलिए लिख रखा है कि कोई एरे है उसमें आपकी कंडीशन क्या है, स्टार्टिंग में लेसर हो रही है, लेसर से बढ़ती हुई आपकी ग्रेटर होती जा रही है, ठीक है, तो वो इस वजह से मैंने लिखा है। पर लेफ्ट साइड से आप लार्जेस्ट वैल्यू चेक करोगे और राइट साइड से आप स्मॉल वैल्यू चेक करोगे। अब पाइवेट एलिमेंट से चेक करनी होती है, अब आपका 24 है, तो 24 जैसे ही आपको मिला अब क्या करोगे, राइट साइड से चेक करना स्टार्ट करोगे, तो ठीक है। जैसे ही आपको 24 मिला, 24 को आपने राइट साइड से चेक किया, तो राइट साइड से चेक किया तो आपको स्मॉल वैल्यू ढूंढनी थी, तो 12 आपको स्मॉल वैल्यू मिली स्टार्टिंग में सबसे पहले, तो 12 की जगह 24 आ गया, 24 की जगह 12 चला गया, सफल हो गया, ठीक है, सफल करके 12 सबसे आगे आ गया और 24 पीछे चला गया। तो जो 24 आपका आया वो आपका पाइवेट एलिमेंट लास्ट में चला गया। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से चेक करेंगे। तो देखिए मैंने एरो आपका लेफ्ट साइड से बनाया है, अब लेफ्ट साइड से आपको कौन सी वैल्यू चेक करनी है, लार्जेस्ट, 24 से लार्जेस्ट वैल्यू चेक करनी है। तो 12 आपकी छोटी वैल्यू थी, 56 क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू है, 24 से बड़ी है, तो ये दोनों आपस में शफल कर लेंगे, 24 56 की जगह आ जाएगा और 56 24 की जगह चला जाएगा, ठीक है। अब आपका पाइवेट एलिमेंट सेकंड नंबर पे आ गया। अब क्या करोगे, इधर से आप क्या करोगे, राइट साइड से चूज़ करोगे वैल्यू, राइट साइड से आपको स्मॉल वैल्यू चूज़ करनी है 24 से, 24 से 31 भी बड़ा है, 56 भी बड़ा है, 90 भी बड़ा है, और आपका जो 10 है वो छोटा है, ठीक है। तो 10 की जगह आप क्या करोगे, शफल कर लोगे, 10 की जगह 24 आ जाएगा, और 10 की जगह आपका 24 आ जाएगा, 24 आपका 10 की जगह आ जाएगा। तो देखिए शफल कर लिया हमने, 24 आपका वहाँ पहुँच गया और 10th वहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, आपका पाइवेट एलिमेंट उधर बीच में आ गया है। अब पाइवेट एलिमेंट से आप लास्ट से क्या करोगे, लेफ्ट साइड से चूज़ करोगे। लेफ्ट साइड से चूज़ करने के लिए आपने देखा आपको स्मॉल लार्ज वैल्यू देखनी है, तो लार्ज वैल्यू 24 से कौन सी है, 47, तो ये 47 की जगह शफल कर जाएगा, 47 की जगह 24 आ जाएगा, 47 आपका 24 की जगह पहुंच जाएगा।
अब आपका पाइवट एलिमेंट बीच में आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा एरे शॉर्टेड दिख रहा हमें, जो थोड़ी बहुत जो मिस्टेक हैं जैसे 12, 10, 24, 35, 47, 90, 56, 31, तो देखिए 31 सबसे पीछे। अब हम इस एरे को दो सब एरे में डिवाइड कर लेंगे, दो सब एरे में लिखेंगे टेक सब लिस्ट 1, टेक सब लिस्ट 2। तो जो सब लिस्ट 1 है उसमें देखिए हमने 12, 10, 24, 35 बीच से बिल्कुल डिवाइड कर दिया, और जो टेक सब लिस्ट 2 है इसमें 47, 90, 56 और 31। अब हमने पाइवट एलिमेंट 12 को लिया है, 12 से चेक करेंगे इधर से स्मॉल राइट साइड से आपकी जो है चेक करेंगे स्मॉल वैल्यू, तो 12 से स्मॉल वैल्यू आपको क्या मिली 10, तो ये 10 की तरफ चला जाएगा और 12 यहाँ आ जाएगा, मतलब ये अरेंज हो गया, ठीक है। और ये देखिए अरेंज हो गया, 10 यहाँ आ गया, 12 यहाँ आ गया, 24, 35। अब इसमें क्या करेंगे, 47 यहाँ पर अपने पाइवट एलिमेंट चूज़ किया है टेक सब लिस्ट 2 में। अब 47 से आप स्मॉल वैल्यू चेक करेंगे तो आपको जैसे ही आपने चेक किया 31 आपको स्मॉल वैल्यू मिल गई, तो 31 आपकी 47 की जगह चली जाएगी, 47 31 की जगह चला जाएगा। तो देखिए 47 आपका यहाँ आ गया और 31 वहाँ आ गया, ये आपका जो सब लिस्ट 1 थी वो आपकी अरेंज हो गई। देखिए 10, 12, 24, 35 ये बिल्कुल आपकी अरेंज हो गई, असेंडिंग ऑर्डर में आ गई। अब आपको क्या करना है, इसको करना है 30। अब आपका जो 24 आया 47 से, अब आप क्या देखोगे, लेफ्ट साइड से चेक करोगे, लेफ्ट साइड से आप चेक करो तो कौन सी लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू 47 से 90 मिली, ठीक है, तो 90 की जगह आपका 47 आ गया और 47 की जगह आपका 90 चला गया, तो एक 31, 47, 56, 90, तो आपका ये दो एरे ये अब शॉर्टेड हो गया। अब इन दोनों को मर्ज कर लेंगे, मर्ज करेंगे 10, 12, 24, 35, 31, 47, 56, 90। अब 31 और 35 को आपस में स्वैप कर लेंगे, क्योंकि आपका सब कुछ अरेंज है, बस 31 और 35 भी आपस में अरेंज नहीं है, तो हम इनको स्वैप करेंगे, 35 की जगह 31 चला जाएगा और 35 31 की जगह आ जाएगा। अब आपका एरे शॉर्टेड हो गया, इसको बोलते हैं क्विक शॉर्ट, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा क्विक शॉर्ट कैसे किया जाता है। आप इसके लेक्चर और भी देखना और इसको घर बैठ के आराम से करने की कोशिश करना कि कैसे हमने क्विक शॉर्ट को शफल किया है, कैसे पाइवट एलिमेंट चुने। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको ध्यान रखना है, एक एरे लेना है, उसमें एक लेफ्ट साइड बनाना है, एक राइट साइड बनाना है। लेफ्ट साइड से आपको स्मॉल वैल्यू चेक करनी है, राइट साइड से आपको ग्रेटर वैल्यू चेक करनी है, वो भी किससे, पाइवट एलिमेंट से। जो आपका पाइवट एलिमेंट है उसी से आपको राइट वैल्यू, राइट साइड से आपको लार्ज वैल्यू, राइट साइड से आपको स्मॉल वैल्यू चूज़ करनी है और लेफ्ट साइड से आपको लार्ज वैल्यू, ठीक है। बस यही बात आप ध्यान में रखोगे और आपका एरे शॉर्ट हो जाएगा। अब हम इसकी एल्गोरिथम देख लेते हैं। एल्गोरिथम देखिए आप, एल्गोरिथम में देखिए आपका क्विक शॉर्ट है, क्विक में सबसे पहले ए एन बिगनिंग एंड और लोकेशन। तो क्विक शॉर्ट का एरे देख लीजिए, क्विक शॉर्ट उसमें ए एन बिगनिंग एंड और लोकेशन है आपका। तो जो आपने क्विक शॉर्ट में इंटीजर वैल्यू ली है वो आपकी क्या लिखा है, ए मतलब कोई एरे है, एन आपके क्या है नंबर्स हैं, बिगनिंग आपका क्या है मतलब बिगनिंग स्टार्टिंग, और एंड क्या है एंड से आप चेक करते हो, लोकेशन जिस पे आप सेट करो। देखो मैंने सबकी वैल्यूज लिख दी हैं, ए इज इक्वल टू एरे, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बिगनिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग और लोकेशन आपकी ये। अब हम स्टेप स्टार्ट करते हैं वन। स्टेप वन में क्या करते हैं, लेफ्ट इज इक्वल टू बिगनिंग, हम लेफ्ट जो कंडीशन होती है सिर्फ स्टार्टिंग में लेते हैं, और राइट जो होती है आपको एंड, और जो आपकी लोकेशन है वो भी आपकी बिगनिंग से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लॉक होती है। अब स्कैन करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सबसे पहले हम राइट से चेक करते हैं, ठीक है, मैंने बताया था राइट टू लेफ्ट सबसे पहले जाते हैं, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं। तो देखिए आपका जो थर्ड है, रिपीट वाइल ए लोकेशन ग्रेट लेस, ए लोकेशन लेस देन इक्वल टू ए राइट, एंड लॉक जो हो रहा है नॉट इक्वल टू राइट के, और राइट इज इक्वल टू राइट माइनस वन, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, राइट माइनस वन से आपको स्मॉल वैल्यू चूज़ करनी है, इसीलिए इसने माइनस वन का लिखा है, ठीक है। इफ़ लोकेशन राइट देन रिटर्न, ठीक है, इफ़ आ लोकेशन ये आपकी ग्रेटर देन अ राइट देन स्वैप अ लोकेशन एंड ए राइट, ऑल्सो सेट लोकेशन इज इक्वल टू राइट एंड गो टू स्टेप थ्री, ठीक है। अगर जब आपकी ये वैल्यूज आ गई राइट की तरफ से, आपको स्मॉल वैल्यू मिल गई, आपने वो सेट कर दी, स्वैप कर दिया, तो फिर आप किस पे फिर से स्टेप थ्री पे जाओगे। स्कैन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब लेफ्ट टू राइट चलेंगे, पहले राइट टू लेफ्ट गए थे, अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे। फिर रिपीट वाइल लेफ्ट से आपका क्या करेगा, लेस देन इक्वल टू ए लोकेशन में एंड लेफ्ट नॉट इक्वल टू लोकेशन, वही काम करना है, लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस वन, क्योंकि लेफ्ट की साइड से आप लार्ज वैल्यू चूज कर रहे इसलिए प्लस वन आया, और राइट साइड से आप क्या करते थे स्मॉल वैल्यू चेक करते थे इसलिए राइट माइनस वन आया था,
ठीक है। अब आप इसका बी पार्ट देखिए, इफ लोकेशन इज इक्वल टू लेफ्ट देन रिटर्न, ठीक है, वो आपको रिटर्न कर देगा, लोकेशन में जो आपकी वैल्यू होगी उसमें आपको रिटर्न कर देगा। इफ़ ए इज इक्वल टू लेफ्ट लेस ग्रेटर देन ए लोकेशन देन स्वैप ए लोकेशन एंड ए लेफ्ट, अब आपको ए लेफ्ट की वैल्यू देगा। ऑल्सो सेट लोकेशन लेफ्ट एंड गो टू स्टेप टू, मतलब जैसे जैसे होगा अब स्टेप टू पे आप चले जाओगे। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, वही काम है जो आपने एक एल्गोरिथम में एग्जांपल में आपने देखा था क्विक शॉट के, सबसे पहले राइट साइड से चेक किया, राइट साइड से आपने स्मॉल वैल्यू चेक करी इसलिए तो राइट माइनस वन हो रहा है, फिर आप लेफ्ट साइड में आए तो वो लोकेशन में सेट हो गया सी, फिर राइट साइड में आए लेफ्ट साइड में आए तो लेफ्ट साइड में आपका लेफ्ट प्लस वन हो रहा है, ठीक है। ये एल्गोरिथम बहुत आसान है, बहुत ईजी है, एक बार इसको घर पर बैठ के देखना कि कैसे बताई है मैम ने और कैसे किया है। अब जितनी भी शॉर्टिंग होंगी, सबसे पहले आपको जैसे मैंने आज क्विक शॉट बताया है, नेक्स्ट लेक्चर में मर्ज शॉट बताऊंगी तो मर्ज शॉट की डेफिनेशन थोड़ी सी बताऊंगी, उसका एक एग्जांपल बताऊंगी और उसकी एक एल्गोरिथम बताऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्विक शॉट आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, प्रीवियस लेक्चर में जो लेक्चर पढ़ाए थे वो भी एक बार देख लेना अच्छे से, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मर्ज शॉट की। थैंक यू स्टूडेंट।